दुनिया को लूट के खाने का मजा ही अलग है। हेलो कौन? सर मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। तू हाथ लगा के दिखाइए किस्मत को, तेरी टांग नहीं फाड़ दी। अरे सर मेरा मतलब है तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। ले नंबर लॉटरी वालों ने फांस लिया, जवान लौंडा कपूर की लौंडिया ने फांस लिया, मुझे जहर दे दो। सर कांग्रेचुलेशन, आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। मुझे 106 बुखार है, मेरी हॉस्पिटल में बोतल लगी है। अरे तेरा दिमाग चटक गया यार, मेरी किसी समझदार आदमी से बात कराओ। बहुत बढ़िया, और मेरे दो बच्चे मट्टी चाट का हुए। मैं हाथ जोड़ लो तुम्हारे आके, तुम अपनी बीवी से मेरी बात करा दो। अरे लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो कौन? भाभी जी खुश हो जाओ। अभी कहाँ मरे हैं ये? अरे इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी लॉटरी लगी है। तुम्हें ज्यादा पता, अभी तो सांसें चल लेंगे। अरे ऐसी बहू से तो गोला लेकर खा ली। तुमने हमारे एरिया की लाइट क्यों काट ली? मुर्गी चार्जिंग पे लगाएंगे। मुर्गी फुल चार्ज होंगी तो अंडे ज्यादा देंगी, तो उसका मतलब है। अरे 2 मिनट गर्मी पड़ी नहीं की मत्थे पे काट। हेलो नमस्कार सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? सर जी हमारे एरिया में लाइट नहीं आ रही है। सर आपके एरिया की लाइट खराब है। हर 2 मिनट पर खराब हो जा रही है, ताजे पानी से क्यों नहीं बना रहे? अरे लाइट के बारे में बताया किसने मुझे? तुम्हें पता है 47 डिग्री गर्मी पड़ रही है। मैं मुँह से आग उगल लिया हूँ, मुझसे कह रहा है तू? अच्छा ये बताओ लाइट पानी से बन रही है? हाँ। तो हमें बता दो, हम अपनी खुद बना लेंगे। ठीक है यार। अरे तुम्हारा क्या पता कब आवेगी? सर देखिए कोई आम आदमी लाइट नहीं बना सकता। बहुत बढ़िया, तू बना ले रहा भाड़ू, तू जादू से पैदा हुआ। सर देखिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लूँ, तुम्हारे एरिया में 2 घंटे में बत्ती पहुँच जाएगी। ले दोपहर में तो आवेगी, और सुबह से चल गई होती तो अब तक आ गई होती। बत्तियों में ही सही थे, इन्हें लाइटें दी किसने? कोई गुनाह थोड़ी है इश्क जो कि मैं दुनियादारी से छुपाऊंगी। मैंने चाहा है तुझे, ये बात मैं तेरी अर्धांगिनी को बताऊंगी, रोज तेरे घर में लंका लगवाऊंगी। समझा मैं सोड़ी, तू तो दियो। क्यों रे झींगे, अब तू आया ना मेरे नेट में, अब देख मैं कैसे तेरा चिल्का निकलती है। माफ करना, गलती होगी मौसी। मौसी? 19 साल की लड़की को मौसी बुलाता है? मैं तेरी माँ के भाई लगती है क्या? तेरे को तो हवलदार। किधर है हवलदार, किधर है? हाँ मैं इंजीनियर चुंबक मित्तल, एनिमल इंजीनियर। क्या तोते की बाईपास सर्जरी करते हो आप? कोई एनिमल इंजीनियर भाई ये झूठ बोलते हैं। फ्लाइट जो उड़ने लगती है ना, उससे पहले रनवे पे चिड़िया वगैरह नहीं आ जाती, वो उड़ाता चिड़ी मार रही। चिड़ी मार नहीं है, चिड़ी उड़ाएगी। एनिमल स्टाइल में उड़ाते हैं, जैसे आपने एनिमल में करते हैं ना। मैं ऐसे करता हूँ। बंदरों को नहलाता है ये आदमी। कैसे कोई बंदरों को नहलाएगा भाई साहब? बंदर काबू में आते हैं आपके? पर ये कह रहे हैं, बताऊँ क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि वो सामने जो मैडम है वो हंसे। बुरा लगेगा इनको, बट इन लोगों का धंधा है ये, पता है आपको? हेलो, थोड़ा ढंग से बताओ कि तुम्हारे पति दिखते कैसे हैं? हमने कभी देखा ही नहीं उनको, हमेशा घूंघट में ही रहते हैं। देखा नहीं कभी? हाँ बस वो सिर्फ किस करते वक्त घूंघट उठाते थे। हाँ तो जब किस करते वक्त घूंघट उठाते थे तब देख लेती उनका मुंह? नहीं, कोई भी हमको किस करता है तो हमारी आंख बंद हो जाता है। ये क्या है आपके माथे पे कोई क लिख गया है क्या? ये हमने अपने पति के नाम का सिंदूर पहना हुआ है, है? कमलेश उनका नाम है। अच्छा, हिंदी में कम, इंग्लिश में लेस। आपका क्या नाम है? कमलेश की लुगाई। शादी से पहले तो आपको कुछ बोलते होंगे ना? हाँ, ब्रिज मोहन की बेटी। अगर पुलिस रिपोर्ट लिखेगी उसमें अपना नाम क्या लिखाओगे आप? अगर आज लिखेगी तो कमलेश की लुगाई, 2 साल बाद लिखेगी तो बिट्टू की मम्मी।